students, and once again welcome back to Canada Complete Knowledge Hub. Today we are doing discussion on the current affair of 15th June, and the very first current affair is on a screen, guys. Which country has ranked top in FIFA World Ranking released on 11 June 2020? वो कौन सी कंट्री है जो कि फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में जिसने टॉप किया हुआ है, और ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी 11 जून 2020 को. एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन वन, बेल्जियम एक ऐसी कंट्री है जो कि फीफा वर्ल्ड रैंकिंग की कैटेगरी में जिसने टॉप किया हुआ है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स मूव टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन. यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ 123.95 crore for ship repair facility in Andaman and Nicobar Island, which is the present shipping minister. Union Shipping Ministry ने अभी हाल ही में अप्रूव किया हुआ है रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेट. रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेट 123.95 करोड़ का शिपिंग रिपेयर फैसिलिटीज़ के लिए, मतलब शिपमेंट से रिलेटेड जो भी रिपेयरिंग फैसिलिटी हैं उनके लिए ये रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट, मतलब इसमें संशोधन किया गया है, इस एस्टिमेट को रिवाइज किया गया हुआ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए. तो जो सवाल है वो ये है कि हु इज़ द प्रेजेंट शिपिंग मिनिस्टर. MOS, MOS का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, एंड IC का मतलब है इंडिपेंडेंट चार्ज. एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन थ्री, मनसुख एल मंडाविया अभी करंट में शिपिंग मिनिस्टर हैं. इसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया हुआ है, देख लेते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने अप्रूव किया हुआ है हाल ही में रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेट बजट 123.95 करोड़ का, और जिस प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए ये कॉस्ट एस्टिमेट को रिलीज़ किया हुआ है, अप्रूव किया है, वो है एक्सटेंशन ऑफ ड्राई डॉक सेकेंड एट अ मरीन डॉक यार्ड इंक्लूडिंग सप्लाई इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ ड्राई डॉक पम्प्स एंड एसेसरीज इन पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान फॉर ऑगमेंटिंग शिप रिपेयर फैसिलिटी इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो डॉकयार्ड है जहाँ पे शिप वगैरह सारी खड़ी रहती हैं, वहाँ पे सप्लाई कितना होना है, मशीन्स कौन सी इंस्टॉलेशन होनी है, या ड्राई डॉक पम्प्स कैसे हैं, एसेसरीज क्या होनी है पोर्ट ब्लेयर में जो कि साउथ अंडमान में है, तो वहाँ पे सारी शिप रिपेयर फैसिलिटीज से रिलेटेड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए इतना बजट का अलॉटमेंट हुआ है. एंड द नेक्स्ट इज Which is the first country in the world that runs double stack container train in OHE electrified region? कौन सी वो पहली कंट्री है, दुनिया की पहली कंट्री है जो कि रन कर रही है, मतलब चला रही है डबल स्टैक कंटेनर, डबल ट्रेन में डबल स्टैक कंटेनर, मतलब कि डबल स्टैक कंटेनर एक के ऊपर एक जैसे कंटेनर होते हैं वैसे वाले डबल स्टैक कंटेनर इन OHE इलेक्ट्रीफाइड रीजन. द राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री, इंडिया. इंडिया ऐसी पहली कंट्री हुई है पूरी दुनिया में जो कि फिलहाल रन कर रही है ट्रेन में डबल स्टैक कंटेनर को. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. इंडिया रेलवेज क्रिएटेड अ बेंचमार्क बाय सेटिंग अ न्यू वर्ल्ड हिस्ट्री ऑन द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ फर्स्ट डबल डेकर कंटेनर ट्रेन. सबसे पहला डबल डेकर कंटेनर ट्रेन जो है इंडिया ने स्टार्ट किया हुआ है विद अ कॉन्टैक्ट वायर ऑफ 7.57 मीटर हाइट ऑन इट्स हाई रीच पेंटोग्राफ इन द हाई राइज ओवर हेड इक्विपमेंट. OHE का फुल फॉर्म है ओवर हेड इक्विपमेंट. इलेक्ट्रीफाइड टेरिटरी इन द वेस्टर्न रेलवे फ्रॉम पालनपुर एंड बोटड स्टेशन इन गुजरात. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड में ये पहली बार किया गया हुआ है, इसलिए इंटरनेशनल लेवल की भी न्यूज़ है डोमेस्टिक के साथ साथ. विच इज़ द PSU विच इज़ फर्स्ट इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर टू बी फुल्ली डिजिटल. कौन सी वो PSU है इनमें से, इन ऑप्शन में से कौन सी वो PSU है जो कि फर्स्ट इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वो फुल्ली डिजिटल बना दिया गया है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में फुल्ली डिजिटल बन गई हुई है. द राइट आंसर इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर में काम करती है, और ऐसी पहली ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को फुल्ली डिजिटलाइज कर दिया गया हुआ है यूजिंग क्लाउड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड बाई डेटा लेक ये पावर्ड कर रहा है, अ बिग डेटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स. तो इसको फुल्ली डिजिटल कर दिया गया हुआ है, सारे जो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो डिटेल्स कैरी किए जा रहे हैं, जो भी आपके इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखी जा रही है या इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड की जा रही है, सब कुछ यहाँ पे डिजिटल हो गया हुआ है. सो दिस इज ऑल्सो बिग न्यूज. देन नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज बिकम द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर, सॉरी दिस प्रोक्योरर इन द कंट्री रिसेंटली. प्रोड्यूसर इज डिफरेंट गाइस. प्रोड्यूसर मतलब कि उत्पाद उत्पन्न करना, प्रोक्योरर
माने कि प्राप्त करना. सो प्रोक्योरर इन द कंट्री रिसेंटली, कौन सा वो स्टेट है जो कि लार्जेस्ट प्रोक्योरर ऑफ वीट बन गया हुआ है, सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट वहाँ से हो रहा है, प्राप्त किया जा रहा है वहाँ से, मतलब प्रोडक्शन होगा तो ही वहाँ से प्रोक्योरमेंट भी होगा. तो द राइट आंसर इज़ मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट बन गया है जो कि लार्जेस्ट वीट प्रोक्योरर बन चुका है, प्रोक्योर वहाँ से सबसे ज़्यादा किया जा रहा है. जो रूरल इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट की said to get inducted with 2500 crore for the farmers and it became India's largest wheat procurer in the year 2021 mein 2500 crore ke aas pass inducted hua hai aur iski wajah se ye largest wheat procurer ban jata hai surpassing Punjab ko piche karte hue. MP also produced highest amount of wheat. MP ने साथ ही highest amount of wheat को produce किया हुआ है this year, मतलब इस साल 2020 में 30 million tons. This is a very good amount, good number. 30 million tons का production हुआ है. So this is very important. What is important in this question? Madhya Pradesh is important. Where is Madhya Pradesh? Option number 5 is important क्योंकि largest wheat procurer और producer दोनों ही है. पंजाब को इसने पीछे कर दिया हुआ है. The next is name the first state in the country which received ISO certification for tribal hostels under Mission Suvidya. Mission Suvidya के अंदर में वो कौन सा state है, ऐसा पहला state भी है और वो कौन सा state है जिसको ISO certification मिला है tribal hostels के लिए. And the right answer is Odisha. Odisha को हाल ही में फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया बन गया हुआ है. उसने रिसीव किया है प्रेस्टिजियस ISO, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन 9001 and 2015 certification for its 44 tribal hostel of Konjar. 32 hostels हैं वहाँ पर और 44 tribal hostels हैं. 32 Konjar में हैं and Sambalpur में 12 hostels हैं. ये district है ये दोनों, Konjar और Sambalpur, these two are the districts. Improving their overall infrastructure and standards under Mission Suvidya. Mission Suvidya के अंतर्गत ये जो राज्य है उड़ीसा राज्य, ये पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि मिशन सुविद्या के अंदर में ISO सर्टिफिकेशन मिला है ट्राइबल हॉस्टल्स के लिए. टोटल 44 हॉस्टल्स हैं, 32 कोइंजर में हैं एंड संबलपुर में हैं. सो दिस इज़ हियर वी गो. RBI हैज बैंड पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉम ग्रांटिंग फ्रेश लोन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फॉर 6 months. Where is the headquarter of People's Cooperative Bank located? RBI ने हाल ही में बैन किया हुआ है People's Cooperative Bank के कि वो फ्रेश लोन को ग्रांट नहीं कर सकता है. डिपॉजिट्स वो कर सकता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फॉर 6 months. वो 6 महीने के लिए नेक्स्ट डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा बट वो लोन ग्रांट नहीं कर पाएगा. तो जो सवाल है वो ये है कि पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक कहाँ लोकेटेड है. देखिए इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें पता चली. पहले तो ये पता चली कि कोऑपरेटिव बैंक लोन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ग्रांट नहीं करेगा, एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट फॉर नेक्स्ट 6 months. एंड द नेक्स्ट इसमें आपको आंसर ये मिल जाएगा कि हेडक्वार्टर किधर है पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक का. एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन 4, कानपुर में है. RBI ने, अब देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है. RBI हैज़ रिस्ट्रिक्टेड पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक जो कि कानपुर लोकेटेड, कानपुर में है, यूपी में है, वहाँ पे RBI ने पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक को रिस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है. वो फ्रेश लोन ग्रांट नहीं कर सकता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा 6 months के लिए. ये 10 June से स्टार्ट होगा, ये जो भी बीता 10 तारीख है. ड्यू टू इट्स वीक फाइनेंशियल, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल पोजिशन अभी अच्छी नहीं है, थोड़ी वीक है. और द बैंक इज़ बार्ड फॉर फ्रॉम सेलिंग, ट्रांसफरिंग और डिस्पोजिंग एनी ऑफ प्रॉपर्टीज़. बैंक अभी सिचुएशन में कुछ सेल भी नहीं कर सकती है, ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकती है, प्रॉपर्टीज़ या एसेट्स को डिस्पोज नहीं कर सकती है. सो ये भी इम्पॉर्टेंट है. द थर्ड इंडिया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यूथ डायलॉग 2020 विल हेल्ड वर्चुअली ऑन June 8-10, 8 से लेकर के 10 तारीख के बीच में 2020. सो विच कंट्री होल्ड्स प्रेसिडेंसी ऑफ एशियन इन 2020. सो हियर वी गो. यहाँ पे आपको अगेन दो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा. द फुल फॉर्म ऑफ एशियन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. सो द फुल फॉर्म ऑफ एशियन इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. और ये जो यू डायलॉग जो होने वाला है वर्चुअली होगा गाइस, ये वर्चुअली होगा 8 June से 10 June के बीच में. सो द क्वेश्चन इज कि विच कंट्री होल्ड्स
प्रेसिडेंसी ऑफ एशियान, कौन सी वो कंट्री है जो कि एशियान नेशन की प्रेसिडेंसी को होल्ड करती है? एंड द राइट आंसर इज वियतनाम, वियतनाम होल्ड कर रही है. थर्ड इंडियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यूथ डायलॉग जो कि होने वाला है वर्चुअली, तीसरे नंबर पे एशियान का थर्ड इंडियन एसोसिएशन का ये होने वाला है जो कि फोकस है कोरोना वायरस पेंडेमिक के ऊपर इनका फोकस रहेगा. और द मीट हैज़ रिगार्डेड द यूथ एज व्हीकल्स ऑफ चेंज, इस मीटिंग में ये भी बोला जा रहा है क्योंकि बीता हुआ मीटिंग है, 8 से 10 जून बीत चुका है तो ये वर्चुअल मीटिंग हो चुकी है, वॉज हेल्ड लिखा हुआ है ना, ये मीटिंग हो चुकी है. तो इस मीटिंग में ज़्यादातर कोरोना वायरस के पेंडेमिक के ऊपर इसमें डिस्कशन हुआ है. और ये भी बोला गया कि जो यूथ हैं वो दे आर द व्हीकल्स ऑफ चेंज, जो भी चेंज होने वाला है पॉजिटिव फ्यूचर में, सो वो यूथ ही हैं जो कि काफ़ी पिवोटल रोल प्ले कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, एंड दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द पेंडेमिक. सो एशियन 2020 चैम्पियनशिप वियतनाम, सो वियतनाम वॉज होल्डिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ एशियन इन 2020. सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें वियतनाम इम्पॉर्टेंट है, दिस कंट्री का नेम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रेसिडेंसी को होल्ड कर रही है. और ये भी इम्पॉर्टेंट है, व्हीकल्स ऑफ चेंज एंड किस में फोकस था, कोरोना वायरस पेंडेमिक के ऊपर फोकस था. और ये थर्ड नंबर की मीटिंग थी. द नेक्स्ट इज द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री हैज़ फॉर्म्ड 3-member committee टू इंक्वायर द आसाम ऑयल वेल डिजास्टर. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर ने अभी हाल ही में 3 मेंबर्स की कमिटी को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, या बोल सकते हो बनाया है, ताकि वो इंक्वायरी कर सके कि जो आसाम में हाल ही में जो ऑयल का रिसाव हुआ था, जो वेल डिज़ास्टर हुआ था, मतलब कुएं के अंदर में जो पूरा रिसाव हो गया था, उसके पीछे क्या कारण था, उस कमिटी को कौन हेड कर रहा है, हु हेड द कमिटी पैनल, उस कमिटी को कौन हेड कर रहा है, ये क्वेश्चन है. एंड द राइट आंसर इज SCL दास. SCL दास जी उस कमिटी को हेड कर रहे हैं. थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन क्या है. अ 3-member high level committee, एक 3-member की high level committee बनाई गई हुई है पेट्रोलियम मिनिस्टर के द्वारा, ताकि वो इंक्वायरी कर सके जो ऑयल इंडिया लिमिटेड आसाम के कुएं में, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जो वहां के कुएं में, वेल में जो वहाँ पे भी स्पिलिंग हुआ था, जो डिज़ास्टर हुआ था, उसके बारे में रिसर्च करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए. और इस पैनल को हेड कर रहे हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स DGH, इनको वो लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, उनका नाम है SCL दास. अदर मेंबर्स इस पैनल में जो हैं वो हैं BC बोरा जी, जो कि फॉर्मर ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं, और TK सेन गुप्ता जी हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ ONGC. सो द इम्पॉर्टेंट इज़ हु इज़ हेडिंग द कमिटी और पैनल, सो HCL दास. और जो और लोग हैं, अदर लोग हैं, उनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है, BC बोरा और TK सेन गुप्ता. SCL दास इज़ हेडिंग. देन नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूट रैंक्ड टॉप अमंग द इंडियन इंस्टीट्यूट इन द नेचर इंडेक्स 2020 रेटिंग्स. कौन सी वो इंस्टीट्यूट है जो कि नेचर इंडेक्स 2020 रेटिंग्स में टॉप कर रही है? चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस टॉप्ड ओवरऑल रैंकिंग. चाइनीज़ एकेडमी है, इन्होंने हर एक रैंकिंग में टॉप किया हुआ है. वो कौन सी इंडियन इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे इंडियन की बात किया जा रहा है तो हम इंडियन पे फोकस करेंगे. तो वो कौन सी इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट है जो कि नेचर इंडेक्स 2020 रेटिंग में जिन्होंने टॉप किया हुआ है? तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने टॉप किया हुआ है. इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं. इन अकॉर्डेंस विद द नेचर इंडेक्स 2020 रेटिंग्स, 3 autonomous institutions, और वो 3 autonomous institutions कौन से हैं? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज DST, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब DST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रैंक्ड अमंग टॉप 30 में DST ने रैंक किया हुआ है. और द नेचर इंडेक्स 2020 रेटिंग में जो कि ग्लोबल लिया जाता है, उसको चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस ने टॉप किया हुआ है जो कि चाइना में है. और इंडियाज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इज़ ऑन 160th पोजिशन पे है. ये जो पोजिशन है 160th पोजिशन पे है ग्लोबली, बट स्टूड फर्स्ट अमंग इंडियन इंस्टीट्यूशन. इंडियन इंस्टीट्यूशन में फर्स्ट है, ग्लोबली देखा जाए तो वो 160th पे है. मतलब सारे कंट्रीज़ के इंस्टीट्यूशन जहाँ पे होंगी तो उस ग्लोबली में 160th पोजीशन पे है. और इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूट वहाँ पर लिस्ट किए गए थे उसमें से फर्स्ट पोजीशन पे है.
तो जो नाम है वो नाम इम्पॉर्टेंट है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किसने टॉप किया हुआ है ग्लोबली। इंडिया में तो CSIR ने टॉप किया हुआ है, बट ग्लोबली टॉप किया है चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस। चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस ने तकरीबन हर एक जगह हर एक रैंकिंग में टॉप किया हुआ है। देन नेक्स्ट इज हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड लॉकडाउन लियाज़न। लॉकडाउन लियाज़न ये जो बुक है इसको किस इसके ऑथर कौन है? एंड द राइट आंसर इज शोभा डे। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, ऑप्शन फाइव इज राइट आंसर। शोभा डे ने अभी हाल ही में लॉकडाउन लियाज़न के ऊपर एक बुक है उसको ऑथर किया हुआ है। राइटर एंड कॉलमनिस्ट शोभा डे's न्यू कलेक्शन ऑफ स्टोरीज लॉकडाउन लियाज़न अ बुक रिफ्लेक्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन ह्यूमन लाइव्स पब्लिश्ड बाय साइमन एंड शुस्टर इंडिया एंड रिलीज्ड ऑन 30th May 2020। तो जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि शोभा डे ने कौन से बुक रिलीज़ किया हुआ है लॉकडाउन लियाज़न को किया हुआ है, और ये बुक जो है वो COVID-19 के ऊपर में रिफ्लेक्ट कर रही है कि जो भी इम्पैक्ट है COVID-19 का ह्यूमन लाइव्स के ऊपर में, और इसके जो इसको पब्लिश किया है साइमन एंड शुस्टर इंडिया ने इसको पब्लिश किया हुआ है, और ये रिलीज़ किया गया था 30th May 2020 को। सो गाइज लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वैद्यनाथ उपासबे रिसेंटली इज रिनाउंड। ए वैद्यनाथ अभी इनका हाल ही में देहांत हुआ है, ये एक रिनाउंड प्रोफेसर थे गाइज, और इनका देहांत हुआ है। ये फॉर्मर मेंबर भी रह चुके हैं प्लानिंग कमीशन के, एडवोकेट भी रह चुके हैं, डेटा क्वालिटी एंड इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं, प्रोफेसर भी हैं। प्रोफेसर डॉक्टर ए वैद्यनाथ, इनका देहांत 88 ईयर के थे ये, कोयम्बटूर तमिलनाडु में इनका देहांत हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज़ रैंक टॉप फीफा। ये हमने स्टार्टिंग में ही गाइज डिस्कशन किया था कि कौन से वो कंट्री है जिसने फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप किया है। इसका राइट आंसर हमने देखा था बेल्जियम है। थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने इस स्लाइड इसमें एक और ऐड कर दिया था। फीफा का फुल फॉर्म आपको पता चल जाएगा, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है, और इन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग रिलीज़ किया था 11th June 2020 को, जिसमें इंडिया ने रिटेन किया हुआ है 108th स्पॉट विथ 1187 पॉइंट्स एज इंटरनेशनल फुटबॉल। इंडिया का ये रैंक था गाइज, और एंड हैज़ बीन सस्पेंडेड सिंस मार्च। ये सस्पेंडेड है सिंस मार्च COVID-19 से। सो बेल्जियम टॉप द रैंकिंग फॉलोड बाई फ्रांस एंड ब्राज़ील। फर्स्ट नंबर पे बेल्जियम एंड फॉलोड बाई फ्रांस, मतलब सेकेंड नंबर पे फ्रांस और थर्ड नंबर पे ब्राज़ील था। कतार इज़ द होस्ट कंट्री ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2020। देखो यहाँ पे आपको तीन चीज़ मिल गई, एक तो फीफा का फुल फॉर्म मिल गया, दूसरा मिल गया कि किसने रैंक किया है फीफा वर्ल्ड में, तो बेल्जियम दो दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, तीसरा ये मिल गया कि इंडिया का जो पोजीशन था वो उसने क्या 108th स्पॉट उसने किया हुआ है, एंड इसमें जो चौथा आपको मिल गया वो ये मिल गया कि फीफा वर्ल्ड कप जो होने वाला है 2022 में उस कंट्री को कौन होस्ट करेगा, कतार। अच्छा एक चीज़ और मिल गया कि फीफा वर्ल्ड कप नेक्स्ट होने कब वाला है, तो इट्स लाइक 2022 को होने वाला है, और कतार इज़ द होस्टिंग कंट्री ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2020। सो गाइज दिस इज़ फॉर टुडे, एंड वी विल कम विथ मोर करेंट अफेयर टुमारो। सो बी अपडेटेड एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस।